ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 14 जनवरी 2024 के अनमोल महावाक्य है। रिवाइज डेट है 14/12/1997। टाइटल है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवॉर्ड देने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदायी झूले में सदा ही झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसे श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं, वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं। लेकिन नंबर वन, बाप दादा को यही हर एक बच्चे को दिल से बाप दादा वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पाँव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पाँव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने के लिए आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आँख उठा करके भी नहीं देख सकती। लवलीन आत्मा के सामने आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। कौन शक्तिहीन करेगा माया को? हमारा तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र में बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है। और फिर थकने के कारण क्या होता है? जब थकावट आती है तो आंखें बंद हो जाती है, तो हमारे तीसरा नेत्र भी बंद हो जाता है। माया को देखने की आंख बहुत दुरांदेश वाली है, दूर से ही देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। माया भी बाबा कहते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो, वो तो थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो ना तो चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? हम बच्चे शक्तिशाली है ना, वो ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आह्वान करते हो तो वो चांस क्यों नहीं लेगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाबा का क्वेश्चन है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं? सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिवान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो ना। तो माया को कह दे अभी जाओ। बाबा कहते माया को भेजो क्या मैं आपके पास? और हम भी कहेंगे माया अभी तुम चली जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाबा तो बोल रहे कि जाओ अभी, लेकिन हम बच्चे क्या करते, उसको बुलाते हैं। अब माया को कहते हैं बाप, माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। तो माया तो कहती है मुझे आह्वान आपके बच्चे करते हैं, तो बाप क्या करेगा? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में चाहे वचन में, संबंध संपर्क में आती है तो समझो माया को आह्वान किया।
उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। यह महाउत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे, इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रत्न भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं तो बाबा समझते हैं यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना है। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहन करके बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एजड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी चुनरी व दुपट्टा पड़ा रहे। गोल्डन स्थिति की ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे हो गए। यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है, तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं वे हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ। लेकिन मनाना अर्थात बनना और औरों को बनाना। उत्सव मनाते समय अपने आप को अंडरलाइन करो। क्या अंडरलाइन करें हम? सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली मैं आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, कल जो मनाएंगे ऐसे ही मनाएंगे ना, सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो वो उत्सव। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने, ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं मनाया है वह भी ऐसे नहीं समझना। जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं, सभी के लिए बाबा कहते हैं कि उत्सव मनाना मना बनना, बाप समान और औरों को भी बनाना। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। कौन सा ऑक्यूपेशन है? हमारा कर्तव्य है। हमें खुद को उत्सव में उत्साह में रहना है और औरों को भी उत्साह में लाना है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हो तो उत्साह दिलाने के बोल बोलते हो। कैसे भी आत्मा हो, चाहे आपकी विरोधी भी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकतू होना है, वो तो ऊपर तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन बाबा कहते कैसे भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना। कौन सी कहानी सुनानी है हमें? उत्साह भरी। सब उसको भी कुछ न कुछ सीखने को मिले, उत्साह आए, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो आप उन्हें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है? जो उत्साही होता है नाचने लगता है उसके पाँव। जैसे ये फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो? जब भी कोई सम्मान समारंभ होता है या समर्पण समारंभ होता है तो लास्ट में सब नाचते हैं ना, रास करते हैं। तो बाबा कहते डांस करते हो ना, यह तो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उमंग उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती है ना। उत्साह मिटाने वाली तो बातें आएंगी और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं। बीती सो बीती। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही है, जैसे भी है, चाहे नेगेटिव भी है, सामना करने वाले भी है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी है, लेकिन इस वर्ष में निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करो। बाबा ने होमवर्क दिया है, इस वर्ष निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण एटीट्यूड को समाप्त करें। तो और क्या करना है हमें? उस जगह पे स्नेह देना है सभी को। स्नेह दो और शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं करो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को
व वेष्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। जो नेगेटिव और वेस्ट है उसको क्या करना है, हमें अवॉइड करना है, मना दूर रक्ष करना है वहाँ। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती है, अवार्ड मिलता है ना, तो यह परमात्म अवार्ड है, अवॉइड करो, अवार्ड ले, हिम्मत है। अच्छा, पांडव ने जिन्होंने भी फंक्शन मनाया उन्होंने हिम्मत है, अवार्ड लेंगे। सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना, आज कौन सी डेट है, 14 दिसंबर। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना, आज भी वैसे 14 जनवरी है। हाँ, अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड देंगे वो हाथ उठाओ, ऐसा देखा देखी मैं हाथ नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं, बाप दादा और सकाश देगा, ऐसे कोई बात नहीं। ऐसे कोई है जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए, कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी है, चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता हो तो लिख करके देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना, समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे एक्स्ट्रा हिम्मत के लिए। जो पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो क्या करते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं, ट्यूशन रखते हैं। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे ना, सभी ने उठाया, ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर हो। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे, मुबारक हो मधुबन वालों को। तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है, इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया वो प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना है, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना है, संकल्प रूपी पाव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, बाबा जो हम बच्चों को शक्ति दे रहे हैं वो लेने के लिए हमारे पास भी शक्ति चाहिए। एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पाव मजबूत रखना, तो बातें तो आएगी लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं, बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है, विमान में बैठते हैं तो देखते हैं ना सुंदर नजारा। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हो जिसमें कुछ समस्या का हल व समाधान उस समय दिखाई न दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए, यह बादल बिखरने वाले ही है, रहने वाले नहीं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए पड़े हो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल भी आएंगे। यहाँ ही सब चुकतू करना है ना। कई बच्चे कहते हैं दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों है। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू करने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है ना, आपके सामने यमदूत आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आएंगे बाबा कहते, ये बातें ही यमदूत है। ये बातें क्या है, यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होनी है, इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो यह तो दिखाई नहीं देता, समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतु होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उनका काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, कई बच्चों की विशेषता है बाहर से घबराना,
दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं 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 कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका शेख होगा। तो बाप दादा पहले से ही ये बातें सुना देते हैं, घबराने वाली बातें आएंगे, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो चीज़ हाथ में आती है वो गिर भी जाती है, बहुत बार ऐसे होता है। तो जब यह मन में घबराते हो ना, तो शस्त्र और शक्तियाँ जो है वो गिर जाती है, मर्ज हो जाती है। इसलिए बाबा कहते घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। क्या पता है? ये बातें सारी आएंगी सामने। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह हो एक दूसरे के साथ, और निर्मानता माना नम्रता हो। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो उसको, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बल उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। दो दिन पहले भी ये स्लोगन था ना, कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को हर एक बात पर कभी कभी हंसी भी आती है, पता है कौन सी बात है जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हैं, बाबा हम प्रकृति जीत है, प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, कहते हो ना प्रकृति को बदलेंगे ना, ऐसे चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें आती भी है तो उसको समाधान नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं कि परिवर्तन नहीं कर सकते, हंसी की बात है। प्रकृति तो जड़ है, उसके लिए चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं, वह हो नहीं सकता, ये हो नहीं, ये होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता, तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदल कर औरों को बदलो, खुद बदल कर औरों को बदलो। चलो वो रॉन्ग तो है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है, बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, ये वायदा है या भूल गए? हाँ तो सब करते हो, कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है, इसका तो परिवर्तन ही नहीं होगा, जैसा है वैसा ही है। ये सर्टिफिकेट बाबा कहते नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है ऐसा सर्टिफिकेट देने की? तो यह सोचना कि वो तो होना ही नहीं, ये तो ठीक होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया है? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। बाबा कहते न वकील बनो न जज करो। ये अथॉरिटी बाप दादा ने नहीं दी है, जो निमित्त है उनका सहयोग लो, वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती है, अपनी मनमत नहीं चलाती है। तो इस वर्ष में ये सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, मतलब जो बड़े बैठे हैं उनके पास पहुंचाया, जिम्मेवारी हमारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना यह आपका फर्ज है। फिर खुद हाथ में लॉ नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो उस सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं, जब स्वयं उमंग उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे और खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और यह परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है, वह क्या नहीं कर सकता? असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में शब्द नहीं है। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता है। देखो बाबा ये गारंटी दे रहे हैं। अच्छा,
चारों ओर के परमात्म प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नसीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्यूरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है यह कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्यूरिटी की झलक से होती है। प्यूरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। अव्यक्त स्थिति, जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो, यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। तो ऐसे प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।